सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे T20 मुकाबले के बारे में आज पूरी बात करने वाले हैं, आपको मैच हाईलाइट देने वाला हूं। सबसे पहले तो भाई, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और दोनों ही टीम अनचेंज थी। प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज दोनों टीमों ने नहीं करा था। यहां पर बात करें न्यूजीलैंड के बैटिंग की, तो न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने उतरे मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मुनरो। पहले ओवर में तो भाई मार्टिन गप्टिल ने शार्दुल ठाकुर को 13 रन मार दिए, लेकिन उसके बाद भाई बहुत अच्छा कमबैक इंडिया ने सब ओवर्स में करा है। यहां पर बात करें तो सबसे पहले गिरा विकेट मार्टिन गप्टिल का, 48 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मुनरो के बीच में। और वहां पर फिर मार्टिन गप्टिल ने 33 रन बनाए, 20 बॉलें खेली, 4 चौके और 2 छक्के उन्होंने मारे, वो आउट हो गए। इसके बाद आए कप्तान केन विलियमसन ने 20 बॉलें खेली, सिर्फ और सिर्फ 14 रन केन विलियमसन ने मारे और वो भी आउट हो गए, और एक भी बाउंड्री विलियमसन ने नहीं मारी है। इसके बाद आए कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने भी 5 बॉलें खेली, 3 रन बनाए, रविंद्र जाडेजा ने इनको कॉट एंड बोल कर दिया। इसके बाद भाई कॉलिन मुनरो खेल रहे थे, 26 रन इन्होंने मारे, 25 बॉलें खेली और कॉलिन मुनरो को भी आउट करा शिवम दुबे ने। सो बीच में अब थोड़ा सा मिडल मडल इनको दिक्कत आ गई थी। इसके बाद आए रॉस टेलर ने 18 रन की एक पारी खेली, एक भी बाउंड्री रॉस टेलर ने नहीं मारी, 24 बॉल में 18 रन, और जसप्रीत बुमराह ने इनको आउट करा। और फिर आखिरी में टिम सीफर्ट जो इनके विकेट कीपर है, उन्होंने 26 बॉल में 33 रन की एक शानदार पारी खेल के न्यूजीलैंड का स्कोर 132/5 कर दिया। अगर टिम सीफर्ट इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते आखिरी में, तो भाई न्यूजीलैंड 100 के नीचे ही रह जाती। लेकिन अब न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 132 रन बना लिए हैं और अब इंडिया के सामने लक्ष्य था 133 रन का। इंडिया की एक बार आपको बॉलिंग बता देता हूं, तो युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 33 रन खाए हैं, एक भी विकेट उनको नहीं मिला है। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में एक विकेट निकाला। मोहम्मद शमी को 4 ओवर में 22 रन पड़े हैं, लेकिन उन्हें एक भी विकेट नहीं निकाला। शिवम दुबे ने 2 ओवर में एक विकेट निकाला। रविंद्र जाडेजा ने 4 ओवर में 2 विकेट निकाले और शार्दुल ठाकुर ने भी 2 ओवर डाले और एक विकेट उनको मिला। सो अब इंडिया की चेस की बात करें, तो इंडिया के सामने लक्ष्य था 133 रन का और इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और केएल राहुल। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे थे, रोहित शर्मा ने पहला पूरा ओवर खेल लिया, 2 चौके टिम साउदी को उन्होंने पहले ओवर में मारे, लेकिन पहले ओवर के आखिरी बॉल पे रोहित शर्मा आउट हो गए। रोहित शर्मा ने 8 रन बनाए, 2 चौके ऑब्वियसली उन्होंने मारे और टिम साउदी ने इनको आउट करा। नंबर 3 पे बैटिंग करने आए कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली ने 12 बॉलें खेली, 11 रन बनाए, टिम साउदी ने इनको आउट करा। फिर नंबर 4 पे आए श्रेयस अय्यर। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच में एक शानदार पार्टनरशिप हुई, करीब 86 या 87 रन की वो पार्टनरशिप थी और मैच विनिंग पार्टनरशिप थी वो। वहां पर फिर गिरा श्रेयस अय्यर का विकेट। अय्यर ने 44 रन की एक शानदार पारी खेली है, 33 बॉल में जहां पर 3 छक्के उन्होंने मारे हैं, सिर्फ 6 रन से वो अपनी हाफ सेंचुरी से चूक गए और इस सोडी ने आखिरी में इनका विकेट लिया। और फिर भाई नंबर 5 पे शिवम दुबे आए। केएल राहुल नॉट आउट खेल रहे थे, 57 रन की पारी केएल राहुल ने खेली है, शानदार पारी खेली और शिवम दुबे ने 4 बॉल में 8 रन बनाए, एक आखिरी में छक्का मार के शिवम दुबे ने इंडियन टीम को जिता दिया है और यहां पर इंडियन टीम 2-0 से सीरीज में बढ़त बना चुकी है। अब देखते हैं बाकी बचे 3 T20 मैच में क्या होता है। मेरी तरफ से आज की यही वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। मिलूंगा आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।